लेकिन महाराष्ट्र में जब देश के 21 करोड़ मुसलमानों में से सिर्फ 12,000 मुसलमान सड़कों पर उतर आए तो इन दृश्यों ने हर किसी को हैरान कर दिया और अब लोग कह रहे हैं कि अगर देश के 1% तो छोड़ दीजिए, देश के 0.01% मुसलमानों के सड़कों पर उतरने से अगर ऐसा जन सैलाब आ सकता है तो अगर 1% मुसलमान सड़कों पर उतर आए तो देश में क्या स्थिति हो सकती है आप कल्पना कीजिए। इस रैली में 3 नई बातें देखने को मिली। पहली बात यह कि भारत के मुसलमानों ने अपनी रणनीति को बदला है, मुसलमानों के नेताओं ने रणनीति को बदला है और अब वो अपनी छवि को बदल रहे हैं और अब आज का मुसलमान अपने आप को राष्ट्रवाद से और तिरंगे से जोड़ रहा है। इससे पहले आपने इस तरह की रैली में तिरंगे झंडे का इस्तेमाल कभी नहीं देखा होगा। दूसरा, तिरंगा और भारत के संविधान के साथ यात्रा करके मुसलमानों ने यह भी बता दिया कि वो इसी देश भारत से थे, भारत से हैं और भारत में ही रहेंगे। जो लोग उन्हें पाकिस्तान भेजने की बात कहते हैं, जो कहते हैं कि आज का मुसलमान पाकिस्तान का समर्थन करता है, ये ऐसे लोगों को हमारे देश के मुसलमानों का सबसे बड़ा जवाब है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, हाथ में तिरंगा लेकर ही रहेंगे। तीसरी बात, इन तस्वीरों में आप मुसलमानों की इस जबरदस्त एकता को भी देख सकते हैं। हाल ही में मौलाना तौकीर रजा ने कहा था कि 1% मुसलमान भी अगर सड़कों पर उतर आए तो सरकार के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। 1% की बात कही थी उन्होंने, लेकिन इस मामले में तो 1% नहीं बल्कि सिर्फ 0.01% मुसलमानों के सड़कों पर उतरने से ही रास्ते ठप हो गए। मुंबई के मुलुंद टोल नाके पर इन लोगों को रोकने के लिए 3,000 पुलिस कर्मियों को तैनात करना पड़ा और ज्ञापन सौंपने के बाद ये सभी प्रदर्शनकारी मुसलमान अपने अपने तिरंगों के साथ वापस छत्रपति संभाजी नगर लौट गए। तो अब अंदाजा लगाइए कि अगर मुसलमान 1% मुसलमान सड़कों पर अगर उतर आए तब क्या होगा। भारत में मुसलमानों की आबादी लगभग 15% है, यानी लगभग 21 करोड़, और दुनिया की 11% मुस्लिम आबादी अकेले भारत में रहती है, यानी पूरी दुनिया के सारे मुसलमानों में से 11% आबादी भारत में रहती है और आज इंडोनेशिया के बाद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं। और सोचिए जब 12,000 मुसलमानों को महाराष्ट्र की सड़कों पर उतरने से इतना बड़ा जन सैलाब आ गया तो अगर 21 करोड़ में से 1% यानी 21 लाख मुसलमान भी सड़कों पर अगर उतर आए तो देश में क्या स्थिति होगी। एकता, और उन्होंने बता दिया कि अगर आप उन्हें जरूरत से ज्यादा दबाएंगे तो वो सड़कों पर निकल आएंगे और संख्या इतनी बड़ी होगी कि सरकार और पुलिस भी उन्हें संभाल नहीं पाएंगे। तो उन्होंने एकता दिखाई है, अपनी ताकत का एक छोटा सा ट्रेलर देश के मुसलमानों ने आज देश को दिखाने की कोशिश की।